नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीएस एजुकेशंस हब। जैसा कि आप सभी को मालूम है माय डियर एस्पिरेंट्स, कि बैंकिंग अब आपकी नोटिफिकेशंस रिलीज करने लग गया है, राइट? आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एसएससी ने आपकी नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए हैं, कब उसका एग्जाम्स होगा, सीएचएसएल सीजीएल्स, राइट? तो हो सकता है आपके SBI PO, RBI असिस्टेंट मेंस का एग्जाम्स हो, SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम्स हो, राइट, IBPS RRB का एग्जाम्स हो, राइट, इन सब के एग्जाम्स आपके होने हैं, राइट, उनके नोटिफिकेशंस भी आएंगे, एग्जाम्स कब होगा। तो उसी के बेसिस पे मैं आपके लिए आज से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना फोकस रहेगा RBI असिस्टेंट मेंस और SBI क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चंस और PO लेवल के क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में एकदम इससे बाहर आपका लेवल्स नहीं पूछा जाएगा, कारण कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशंस में बने रहिएगा, पूरा सेशंस देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, आपको लगे कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट है, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे कुछ भी आपको बेनिफिट्स हो, वीडियो आपको, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक करके चलिएगा, ओके, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, जहाँ कहीं भी आपकी रिच है, क्लियर। टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, आज अपनी 22 क्लासेस हैं, लास्ट 21 क्लासेस टोटल्स कंप्लीट हो चुकी है, देख लीजिएगा ऑल ओवर टॉपिक बेस पर है, अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरा देखने के बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ओके, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप खुद देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, वन बाय वन क्वेश्चंस अपन देखेंगे, ओके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 85 नंबर क्वेश्चंस, 84 तक क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियोस में, यानी कि 21st तक, राइट, क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया था जो था आपका 85। आई होप आपने आंसर्स दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो उसका अपन सॉल्यूशन यहाँ पर अपन अब देखेंगे, ओके, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को रीड करना आपको अच्छे से आना चाहिए, रीड करना ऐसे नहीं, रीड तो ऐसे हर कोई स्टूडेंट्स कर सकता है, बट रीड करने के साथ साथ समझ में आना चाहिए, वही मेन फैक्टर्स होता है अर्थमेटिक में, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स की क्वारीज यही आते हैं सर, अर्थमेटिक सॉल्व नहीं होता। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, रीडिंग में ही आपको समझना है क्वेश्चंस किस टाइप से होगा, रीडिंग में ही आपको आंसर्स निकालने की कोशिश करनी है, ओके, कम से कम आप वेबसाइट का उपयोग करें, यही आपके लिए बेनिफिट होगा, टाइम सेव होगा, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एजेस, ए की एजेस हैं 4 ईयर्स मोर देन बी एजेस, यानी कि जो ए की एज है वो बी से 4 ईयर्स मोर है, राइट, एज एजेस ऑल्सो 8 ईयर लेस देन सी, यानी कि जो ए की एज है वो सी से 8 साल छोटा है, जो ए है वो सी से 8 साल छोटा है, 7 ईयर हैंस रेशियो बीज एज टू सीज एज विल बी 7:3, यानी कि 7, यानी कि 7 साल बाद ए की बी की रेशियो और सी की रेशियो है अपने पास 7:13, फाइंड द एवरेज, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ए बी एंड सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में डिटो क्वेश्चन पूछता है और एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही आता है, सर स्किप दिस क्वेश्चन, स्किप कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही स्किप कर सकते हैं, ओके, तो आज के मैंने वीडियो में 2 क्वेश्चन एज से रिलेटेड रखे हैं ताकि आपका फियर है वो निकाल सको, क्लियर, समझिएगा क्वेश्चन को एकदम एकदम, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से देखेंगे, फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो तुरंत टाइप करिएगा, सर ये मेरे डाउट्स हैं, ये चीज़ नहीं समझ में आई, कैसे आई, राइट। अब देखिए एक एक चीज़ अपन पढ़ते हैं, ए एजेस 4 ईयर्स मोर देन बी, इट मीन्स ए की जो एजेस हैं, राइट, बी की 4 ईयर्स मोर है, यानी कि बी प्लस 4 हुआ, राइट, बी की एजेस, एंड ए को दे रखा है कि ए की जो एज है इज ए एजेस इज ऑल्सो 8 ईयर्स लेस देन सी, यानी कि सी माइनस ए, जो सी की एज होगी वो माइनस 8 ईयर अपन करेंगे तो अपने पास ए की एजेस आ जाएगी, राइट, क्लियर। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, बी प्लस 4 है बराबर ए की एजेस, अपन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बी बराबर ए माइनस 4, राइट, ये आप फाइंड आउट निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी सी की अपन निकाल सकते हैं,
इज सी बराबर ए प्लस एट ईयर्स, राइट, ए प्लस एट ईयर्स, राइट। ये टोटल बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया। अब क्योंकि अपने पास रेशियो बी और सी का दे रखा था, यही कंफ्यूजन होता है, यही ट्रिक होती है, राइट। सेवन ईयर हेंस बी एजेस सी एजेस विल बी 7:3, यानी कि बी प्लस सेवन करेंगे, सेवन हेंस यानी कि सेवन ईयर्स जिसको आप कह सकते हैं आगे, एंड सी प्लस सेवन करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स रेशियो अपने पास दे रखा है क्वेश्चंस में 7:30, राइट। अब देखिए ये चीज दे रखी है क्वेश्चंस में, सेवन ईयर्स रहेंगे यानी कि 7 साल बाद, देन यहाँ पर अपन रख सकते हैं बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। देखिए अपने पास गिवन है, बी की वैल्यू अपन ने रखी ए माइनस फोर, राइट, ए माइनस फोर, एंड प्लस का 7 है तो प्लस का यहाँ पर अपन ने 7 कर दिया, राइट, मल्टीप्लिकेशन में तो है नहीं। एंड सी की अपने पास दे रखी है ए प्लस एट, दे रखी है अपने, निकाली भी है, ए प्लस एट प्लस 7, राइट। ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को, पार्टिकुलर को, एंड रेशियो गिवन इज 7:30, राइट। अब यहाँ से अपन निकाल नहीं सकते, इसको सॉल्व करने पर आएगा अपने पास माइडियर स्पेंस, देखिए ए माइनस फोर का माइनस का 4 है तो, एंड प्लस का 7 है तो अपने पास प्लस की ज़्यादा है तो प्लस का 3, राइट, एंड यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं तो ए प्लस 15, राइट, क्लियर। एक एक समझ से चलिएगा, कोई डाउट्स हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सर ये मेरे डाउट्स हैं, 7:13। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करना तो आपको आता ही है, आपकी ए की एज आ जाइए, तो देखिए 7 8 13 है, इट मीन 6 a एंड देन 13 3 जा 39 एंड 15 7 जा 105 माइनस 39, राइट, 105 माइनस 39, राइट। तो आप देख सकते हैं दैट इज द 6 a इज इक्वल टू 36, राइट। तो a की वैल्यू कितनी आई, दैट इज द 11, तो a अपने पास आ गया है कि 11 होगा, राइट, राइट। तो रेशियो अपने को पूछा है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए की एज या तो ये ऑप्शन हो सकता है या डी हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि 7 अपने को 11 पहले चाहिए, राइट, सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं बी का, तो बी की एज अपने यहाँ पर गिवन है, ए की देख सकते हैं तो बी प्लस 4 या फिर ये ले लीजिए ए माइनस 4, राइट, ए माइनस 4, बी की एज अपने कहाँ दे रखी है, ए माइनस 4 इज इक्वल टू बी, तो ए अपने पास 11 है तो बी की ए माइनस 4 है तो इसमें से 4 ये लेस कर दीजिए, दैट इज द 7, राइट। सी की अपन निकाल सकते हैं, सी की होगी, सी की देखिए सी बराबर ए प्लस 8 यानी कि इसमें 8 अपन ऐड करेंगे, दैट इज द 19, राइट, राइट, 11 7 19, दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आपको आंसर्स भी बिल्कुल केयरफुली होके आंसर टिक करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर ऑप्शंस में भी खेल सकता है, राइट, तो प्लीज बिल्कुल केयरफुली होके आंसर टेक कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपने ऐसे ही सॉल्व किया होगा, समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो सके, ओके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ कार एंड ट्रक, यानी कि रेशियो देखिए इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा। कार एंड ट्रक का रेशियो अपने पास गिवन है, दैट इज द 5:4 स्पीड का, ओके, एंड ट्रक टेक 3.5 आवर्स यानी कि एक तरह से 3.5 आवर्स लेता है, मोर देन कार कवर टू कार टू कवर 840 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, कि ज़्यादा लेता है ट्रक, तो इट मीन्स ऑल्सो आप कह सकते हैं कि ट्रक की स्पीड है वो कम होगी, ओके। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन 25% इज मोर देन एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड ट्रक, यानी कि जो दोनों की स्पीड निकलेगी कार और ट्रक की उसका एवरेज होगा आपका आपका उसका एवरेज एक तरह से कह सकते हैं 25% से जो एवरेज आएगा उससे 25% मोर अपने को करना है
तो अपने पास स्पीड आ जाएगी, दैट इज द ट्रेन की। अपने पास क्वेश्चन यही पूछेगा ट्रेन से रिलेटेड, देख सकते हैं व्हाट टाइम्स ट्रेन विल बी कवर 405 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि अब पूछा है कि 405 किलोमीटर चलने के लिए ट्रेन को कितना एक तरह से टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 840 किलोमीटर, इट मीन्स ट्रेन की गति है, ट्रक की गति है वो ज़्यादा होगी, राइट, स्पीड एक तरह से कह सकते हैं। तो 840 किलोमीटर डिस्टेंस अपन मान सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर 5x है कार की, राइट, एंड 4x है आपकी ट्रेन की, आपकी ट्रक की, ओके। तो 4x माइनस 840 अपॉन 5x, राइट, इज इक्वल टू 3:1। ये ज़्यादा लगाना टाइम, क्योंकि कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि ट्रक टेक 3.5 hours मोर देन, इट मीन्स ट्रक ने ज़्यादा लिया टाइम। तो अपन ट्रक की स्पीड में से माइनस करेंगे ना, तो माय डियर तो 4x अपन ने पहले एंड देन 5x, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है, आप इसको चाहें तो बहुत टाइम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मैक्सिमम टाइम हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से 4x 5x इसका एलसीएम्स लिया, उसके बाद आप कवर करेंगे, राइट। एंड देन इसमें आपको शॉर्ट टर्म्स बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी को हाइपोथेटिकली आप मान सकते हैं कि इतना माना एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको आप कह सकते हैं, राइट। एक्स की जगह अपने वैल्यू माने, देन मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर दे, वो लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, 6-7 स्टेप्स आप मानेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है एब्सोल्युटली। अब देखिए इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम्स में आपको मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, देखिए 4 से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 0 का 0, यानी कि 4 से कट गया, 5 से इसको निकाल दीजिए तो 5 से 84 का डबल करिए 168, राइट, 168 यहाँ पर है, राइट, ये कट गया। तो एक्स एक्स नीचे बजे तो एक्स का एलसीएम एक्स ही आएगा, तो 210 माइनस 168 अपन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो अपन कह सकते हैं 70 30 30 और 42, यानी कि 42। तो एक्स की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं 42 अपॉन 3.5 किलोमीटर एक तरह से समय टाइम का, ओके। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 3.5 है, तो इसको 7 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम इतना ही है, राइट, ऊपर 2 कर दीजिए और यहाँ पर 7 कर दीजिए, राइट। तो 7 से यह 7 6 42 एंड एक्स की वैल्यू अपने पास आई माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द 12, राइट, 12। ये इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में, बाकी आप कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ज़्यादा क्वेश्चंस आप बनाते हैं तो आप सीधा ही एक्स की वैल्यू मान के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं इस टाइप को, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं। बट आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ आपको पता नहीं, तो आप इसी बेसिस पे इसको लगा सकते हैं फॉर्मूला, ओके। अब स्पीड्स के आप निकाल सकते हैं, तो अब एक्स की वैल्यू अपने पास 12 है, तो 5x 12 5 जा 60 एंड देन 12 4 जा 48, राइट, ये आपकी टोटल स्पीड्स आ गई, प्लस कर देंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आएगा 108, राइट, अपॉन 2 करेंगे तो दैट इज द 54, राइट, क्योंकि अपने को एवरेज चाहिए था ट्रेन की स्पीड्स निकालने के लिए। इसकी जो दोनों की एवरेज स्पीड आएगी इसका 25% मोर है माय डियर स्टूडेंट्स, 25% मोर है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 1 ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स 5/4 करना पड़ेगा, तो इट मीन्स यहाँ पर 5/4 ये स्पीड है ट्रेन की माय डियर स्टूडेंट्स। इसको ऐसे ही रखिए, सॉल्व करने का बेस्ट वे देखिए, अब आप काम है इसको सॉल्व मत कीजिए, मैं बताऊँगा कैसे किस टाइप से काम आएगा। 54/5/4 ये आपकी स्पीड्स आई है ट्रेन की, तो उसको सॉल्व करना है। अब डिस्टेंस इसको कितना कवर करना है ट्रेन को, दैट इज द 405 किलोमीटर, ये डिस्टेंस टोटल्स कवर करेगी कितना समय में देखते हैं। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो अपने पास टाइम आ जाएगा, राइट, 1 सेकेंड, 54 इंटू 5/4 है, तो 5 अपॉन
फोर करेंगे तो फोर अपने पास ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना टाइम कितना ईजी हो गया। अगर आप इसको सॉल्व कर दें पॉइंटों में, एब्सोल्युटली ज़्यादा ये पॉइंट्स में, फिर इसको आप सॉल्व करते हैं कितना टाइम लगता आप खुद देख सकते हैं, राइट। तो 54 से आप निकाल सकते हैं, दैट इज द 27 2 जा, राइट। 27 2 जा इसको आप इस बेसिस पे निकाल सकते हैं, 27 2 जा 54 एंड 27 एंड 13 कैरी 13 यानी कि 135 135 बचा, तो 5 टाइम्स एब्सोल्युटली जा रहा है, राइट। 5 टाइम्स तो 2 से ये गया आपके 2 टाइम्स, राइट, एंड 5 से 3 टाइम्स, तो 3 टू जा 6 आवर्स, राइट। 6 आवर्स आपका टोटल टाइम्स लगेगा। बी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तुरंत टाइप कीजिएगा, समझ में आया तो बताइएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, इसी बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, क्लियर, ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस में पूछता है हमारे रेस्पिरेंट्स, ऐसे एकदम टिकटॉक क्वेश्चंस मेंस पे बनेंगे आपको, कन्फ्यूजिंग किस टाइप से आपको सॉल्व करना है कि मिनिमम टाइम है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका एज रिलेटेड क्वेश्चंस और हैं। राहुल्स एज आफ्टर 17 ईयर विल बी 6 ईयर लेस देन ट्वाइस इज परसेंटेज, यानी कि जो राहुल्स की एज है हमारे रेस्पिरेंट्स, अपन मान के चलते हैं दैट इज द राहुल्स परसेंटेज, इट मीन्स आपकी एक्स है, राइट। तो उसका क्या है रहा है, अपन राहुल के निकाल लेते हैं 17 साल बाद, राइट, 17 साल बाद, इट मीन्स एक्स प्लस 17, राइट। उसकी जो एज होगी वो ट्वाइस होगी प्रेजेंट एज की, 6 ईयर लेस यानी कि 6 साल बाद में। तो अपन राहुल की यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स बचा एंड 17 प्लस 6 यानी कि 23। राहुल की एज आ गई अपने पास 23, ओके। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन सुरेश प्रेजेंटेज एंड गोकुल्स प्रेजेंटेज, यानी कि सुरेश का और गोकुल का, राइट, गोकुल यानी कि जी लिख देते हैं। सुरेश अपने पास है 21 एंड 19 गोकुल की 19, वाई इसको अपन वाई मान लेते हैं क्योंकि एक्स अपन ने माना हुआ है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इजीली आपको समझ में भी आ रहा होगा। इफ गोकुल्स एज इज 31st ईयर हेंस विल बी सेम एज 3 टाइम्स ऑफ राहुल प्रेजेंट एज, राइट। गोकुल की जो 31 साल बाद की जो एज होगी वो राहुल की प्रेजेंट एज की 3rd गुना यानी कि 3 गुना होगी, राइट। गोकुल की प्रेजेंट एज है माय डियर स्टूडेंट्स 19y, राइट। इसकी 31 साल बाद की जो एज होगी तो प्लस अपन 31 कर देते हैं, जो आपके राहुल की 23 इसकी 3 गुना यानी कि 69 की, राइट। तो अपन वाई की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द 19y माइनस इज इक्वल टू 38, राइट। 38 9 माइनस 1 8 एंड 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, राइट। तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने 2 टाइम्स आई, राइट, 2 टाइम्स। अब पूछा क्या है क्वेश्चंस में, अपन वही निकालेंगे। अपन y की वैल्यू अपने पास आ गई तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं दोनों की, ओके। पूछा क्या है, व्हाट विल बी सुरेश एजेस 8 साल बाद, सुरेश की एजेस क्या होगी। तो सुरेश की अब एजेस प्रेजेंट कितनी है, 21y, तो 21y है, तो y की वैल्यू अपने फाइंड आउट की थी 2, 8 साल बाद पूछा है तो 8 साल इसमें ऐड कर दीजिए, दैट इज द 42 प्लस 8 इजिकल टू 50 आपका करेक्ट आंसर होगा, 50 इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। 87 का बी, समझ में आया, अच्छा लगा क्वेश्चन। ये देखिए जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, राइट। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगते हैं, लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेंगे, गारंटी है इस टाइप की। आप रेगुलर सॉल्व कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर। नेक्स्ट पर आते क्वेश्चंस पे, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कुछ भी आपकी हेल्प हो पा रही है 10% 20% 25% 30% या 100% भी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो सके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। कोई आपका सजेशन हो तो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
ratio between 75% of A and 25% of B, यानी कि B और A की जो ratio है 9:5 है. My dear students, A और ये B, right? 75% of A, right? A and B, right? इसका अपने पास given है, that is the 9:5, right? एंड बी एंड सी का रेशियो अपने पास दे रखा है 8:9. तो अपन ए और बी का निकालेंगे तो अपने पास सी का भी निकाल पाएंगे, राइट. तो यहाँ से ये 3 times, यहाँ से ये 1 times, राइट. तो 3a, तो यहाँ से ये निकाल लीजिए ना, 3 से 3 ये गया 9 times. तो ए का रेशियो आया 3 एंड बी का रेशियो आया अपने पास 5, राइट. ए और बी दोनों का रेशियो अपने पास गिवन है और बी सी का भी अपने पास गिवन है. तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, राइट. ए का है अपने पास 3, बी का है अपने पास 5 एंड सी का अब नेक्स्ट में दे रखा है अपने पास 8:9 है बी और सी का. 8 यहाँ पर और 9 यहाँ पर. अब इसको शो सॉल्व करना आपको आता है, राइट. 8 3 24 एंड 8 5 40 एंड 9 5 45, राइट. 45 इसको अपन एक्स मान लेते हैं ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ सके क्वेश्चंस आगे, ओके. देखिए ए प्लस बी सी का अपने को अनुपात एक तरह से दे रखा है, 45% है जो 294.3 है. तो ए बी ए और सी का औसत पूछा है, इसका 45 इंटू शो इसका जो है आपका 293 है, राइट. शो ओके, ये क्वेश्चन में कह रखा है तो आप इजीली निकाल सकते हैं. दैट इज द यहाँ पर बजा 10, ये पॉइंट उड़ा एंड देन यहाँ से ये 1:0 कट गया, राइट. एंड देन यहाँ से देखिए 9:4 जो देखिए 5:9 जा, राइट. 5 ये 9 times किया, राइट. ये आपका 2 times किया, राइट. एंड 9 से 9:2 जा 9:3 जा, राइट. 9:3 जा 27, 1 carry, 2 carry, 2 and 24, 9:3 जा 9:2 जा, राइट. 9:2 जा 18, 9:2 जा 18, राइट. 24 है तो एंड देन 6 बचा 63, 9:7 जा 63, 3:27, ओके. इजीली लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके. 3:27 इंटू 2 करेंगे तो अपने पास आएगा 6:327, यानी कि 327 का डबल 6:654, ओके. 6:54 यानी कि इनका योग देख लेते हैं. 24 40 40 और 40, 80 और 80 और 20, 90 80 और 20, 104 और 59, यानी कि 109. x की वैल्यू अपने पास गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, 327 ये इंटू 2 यहाँ पर होगा, दैट इज द 654, राइट. अब इजीली आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, दैट इज द 6 times, राइट. x बराबर अपने पास आया 6, राइट. अब पूछा क्या है a और c का, तो a अपने पास से 24 औसत पूछा है, 24 और c है 45. 24 और 45 अपने हो गए 4 19 and 20 69. इसका औसत इंटू 2 into 6, राइट. इसका औसत निकालने का सबसे बेस्ट वे आंसर्स निकालने का यही तरीका, औसत निकाला अपने, इसका औसत निकालते फिर मल्टीप्लिकेशंस करते 6 का, राइट. कितना डिफिकल्ट टाइम, कितना डिफिकल्ट हो सकता, कितना लेंथी हो सकता था आप खुद देख सकते हैं, राइट. 2 से ये गया आपकी 3 times, राइट. 3 times तो 69 इंटू 3 करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको 70 मांगे, 70 इंटू 3 करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आएगा 210, राइट. एंड देन एक अपने ज़्यादा माना तो 1 into 3 into 1 करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स 210-3=207 इज द करेक्ट. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये होता है टाइम सेविंग का बेस्ट वे, इससे अच्छा आप टाइम सेविंग एग्जाम्स में नहीं कर सकते. जो सिलेक्शंस होता है वह इसी टाइप से टाइम सेव करते हैं कैलकुलेशंस में. क्लियर, समझ में आया क्वेश्चंस?
अगर समझ में आया तो थम्स अप दे दीजिएगा, अच्छा लगा तो। ओके, ये 89 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टाइम वर्ड वर्क का क्वेश्चन है, मेन्स लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में T2 क्वेश्चन पूछने को मिलता है। ओके, प्लीज आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर इसका आंसर ये होगा। ओके, तो एंड अप करता हूँ आज का सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में भी आए होंगे क्वेश्चंस, कुछ हेल्प कर पाया होगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ कहीं भी आपके रीच है। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें चैनल्स को, ताकि इस टाइप के आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिलते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ hit the like button, share the video and subscribe my channels. Okay, thank you so much friends. Jai Hind, Jai Bharat.